तेरे प्यार ने फड़ा थे मैनू दो हथियार, एक हाथ कलम दूजे हाथ गिटार, दे मार साढ़े चार मैनू कोई नहीं फार। किसके प्यार ने आपको दो हथियार पकड़ा दिए हैं, एक पता नहीं क्या और दूसरा गिटार? आयशा ने। आयशा कौन है? हमारे मोहल्लेदार थी। मेरी एक सहेली भी है आयशा, वो तो नहीं है। आपको वैसे वो क्यों छोड़ के गई है? प्रपोज भी उसने खुद ही किया है, फिर छोड़ के तो खुद ही चली गई। जे तू छट गई आपा केड़ा जीना छड़ता, नहीं तू छट गई जे आपा केड़ा पैग पीना छड़ता। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। दो फिर चढ़ गया सूली, छोड़ चुका था दारू पूरी, आंखें देखी मैंने नीली बोतल पूरी, जैसे पीली हो गया ना काम भाई, वापस ये मेरा काम भाई, अरे भूल जा मेरा नाम भाई, बोलो मुझे सलमान भाई दबंग, सुबह शाम भाई गलियों में मेरा नाम भाई, रात चलेगी फाड़ी कल दिन में आराम भाई, ऊपर से तेरा ड्रस्ट है लाल रंग रेड लाइट, जैसे तू गाड़ी से उतरे रोड पे लग जाए जाम भाई, रोड पे लग जाए जाम भाई। यो यो यो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा आबिद। जैसा कि आपने देखा आज मेरे साथ एक यो जनरेशन मौजूद है, ये सिंगर हैं जी, छोटे से हैं अभी 19 साल के हैं और इतना प्यारा रैप करते हैं, बोहेमिया के डाई हार्ट फैन है। आई होप कि ये बोहेमिया तक पहले ये वीडियो पहुँच जाए, इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस रैप के पीछे क्या राज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। बोहेमिया को तो मात दे दी आप? नहीं नहीं, बोहेमिया तो उस्ताद है हमारे। अच्छा, क्या चीज थी अंदर की जिसने आपका अंदर का बोहेमिया निकाल के बाहर फेंका? बस एक शेरो शायरी होती है बोहेमिया, देख देख के फिर उसकी आदत पड़ गई, सुन सुन के फिर दिल करने लग पड़ा रैप करने के लिए। रैप खुद लिखते भी हैं? प्रॉपर लिखना नहीं शुरू हुआ, वैसे ही थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ करके। अभी अगर मैं कहूँ कि अभी जोड़ तोड़ के कुछ भी बना दे, बना लेंगे? जोड़ तोड़ अपना कुछ जोड़ तोड़ के बनाया हुआ तो वो हमें सुना, वो सुना देता हूँ। जे मार साढ़े चार मैनू कोई नहीं पार, दे मार साढ़े चार, तेरे प्यार ने फड़ा थे मैनू दो हथियार, एक हाथ कलम दूजे हाथ गिटार, दे मार साढ़े चार मैनू कोई नहीं पार, दे मार साढ़े चार। आपने खुद बनाया? जी, ये फिलहाल। जबरदस्त जबरदस्त। किसके प्यार ने आपको दो हथियार पकड़ा दिए हैं, एक पता नहीं क्या और दूसरा गिटार? गिटार। क्या क्या वजह है उसकी, मैं जानना चाहती हूँ किसने पकड़ाया? आयशा ने। आयशा कौन है? हमारे मोहल्लेदार थी। मेरी एक सहेली भी है आयशा, वो तो नहीं है? नहीं, नहीं। क्या कहती थी, थोड़ा कैमरे में देख के बात करें ना, क्या शर्मा क्यों रहे हैं आप? गई लड़की, चली गई, क्या हुआ, क्या कहा उसने, क्यों भाग गई, क्यों उसने आपको छोड़ दिया? नहीं नहीं, भागी नहीं, उसके घर वालों ने शादी करवा दी उसकी। आपसे क्यों नहीं शादी करवाई? उसके वालदैन को मैं पसंद नहीं ना था। क्यों नहीं पसंद? आप रैप करते हैं इसलिए? नहीं, रैप की बात तब शुरू नहीं थी किया मैंने। अच्छा, आयशा की शादी अब कहीं और हो गई है तो आप उसके पीछे रैप लिखना शुरू हो गए हैं। आयशा ने जब छोड़ा था तो कौन सा रैप लिखा था या कौन सा रैप गाया था, उसके गम में कोई रैप जो गाया हो वो सुनाए। आयशा के गम में अभी तो कोई रैप नहीं है, छोड़ गया तो ठीक है, छोड़ जाए तो मेरा तो कोई फिलहाल इतना इशू कोई नहीं है। कोई मसला नहीं है? कोई मसला नहीं है। हजारों आयशा आएंगी? हजारों आयशा आ जाएंगी, हजारों जाएंगी। ये रॉक स्टार बनने वाले हैं, अब आगे आगे देखो आयशा होता है क्या। अगर आयशा वापस आना चाहती है, कोई दिल का दरवाजा खुला होगा उसके? नहीं, अब तो सारे दरवाजे बंद हैं। आयशा के लिए तो स्पेशली बंद है। आयशा के लिए स्पेशली बंद है, हर आयशा नाम की लड़की के लिए स्पेशली बंद है। जितने भी आयशा सुन रही हैं आप लोगों के लिए इनके दिल के दरवाजे बंद हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि आप हनी सिंह के भी फैन हैं, हनी सिंह का कुछ हमें सुनाना चाहेंगे? ये स्पेशली आयशा के लिए। आयशा कान खोल के सुनो, चुप सारे चुप, चलो सुनाओ। उरे आ तेनू एक गल समझावा, माड़े पूरे तेनू कदे हाथ में ना पावा, वैसे तो मित्रा का बहुत वड्डा स्कोप, आई लाइक चिक्स ना, आई डोंट लाइक द मैन इमो, पण मित्रा दी हो एंड मित्रा दी हो, तू भी टेढ़ा टेढ़ा क्या के सानू, आई नो डोंट से नो नो, मैं तो तेरा जो जो, तू हाँ था कर सा मनूगा तेरा प्यो, कुड़ी है नी तेरे ब्राउन मगने, मुंडे पट दे नी सारे मेरे टाउन दे। आपको वैसे वो क्यों छोड़ के गई है? प्रपोज भी उसने खुद ही किया है, फिर छोड़ के भी खुद ही चली गई। छोड़ के भी खुद ही चले गई है। यार इसका क्या कसूर था आयशा, कितनी गलत बात है, ये कसूर मेरा है कि यकीन किया है। जिमे हाइड्रोलिक्स नाल फिक्स मेरी कार, तेरे कार दे बार टपन लग गया तेरी दीवार, हाई स्पीड चेस रेड लाइट ना ब्रेक, तेरे प्यार से गड्डी भी मेरी छाला मारे वे बाउंस बाउंस, वो के पीछे पीछे पूछ खड़े छोर, गड्डी चले नहीं देश मैनू देखे ना कि चोर, हूँ मेरा हट बट वो मुंडे करन मैनू बोर,
ਬਿਤਰਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰਤੀ ਠੋ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮ ਕੀਤੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਟ ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਗ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਕੈਮਟਰ ਫਿਟ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਨੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਰਾ ਟ੍ਰਿਕਸ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਬੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਰਾ ਟ੍ਰਿਕਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਖਾ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏਗੀ ਕੋਈ ਕਲਾਸਿਸ ਲੇਤੇ ਹੈ ਇਸਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਗਰ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੜ ਗਿਆ ਮੁਝੇ ज़बरदस्त हमारे पाकिस्तानी कहते हैं कि टैलेंट कहाँ है अब ये इन्होंने बगैर देखे सिर्फ वोमिया को देख के इतना कुछ सीख लिया है अगर आप क्लासेस लें तो फिर आप कहाँ तक पहुँचे बिल्कुल ऐसे ही है फिर तो सारी दुनिया को मात दे देंगे अच्छा कोई मिला है आपको लाइक अच्छी जगह से ऑफर आई है कि आप उनके साथ काम करो या इस तरह का कुछ मेरे बड़े भाई का स्टूडियो है वहाँ से तो वहाँ पर क्यों नहीं करते हैं फिर इसका आपकी इतनी अच्छी प्यारी आवाज़ है इतना अच्छा रैप करते हैं और लिखते भी हैं तो क्यों नहीं ट्राई करते हैं वहाँ मैं चाहता हूँ मैं अपना खुद स्टूडियो बनाऊँ मेरे साथ आवाम खुद आके मुझे मिलेगा भाई मैंने आपके साथ स्टूडियो बनाना उसके लिए पहले वीडियोस वगैरह करनी पड़ेंगी जी बिल्कुल ये मैंने टिकटॉक पे अपना पोस्ट की हुई है 3-4 वीडियो व्यू भी अच्छे आए हैं लाइक ज़रा कम आ रहे हैं इसलिए कोई बात नहीं अच्छा अगर मेरा फेवरेट अगर एक गाना है वो है जे तू छड़ गई आपा केड़ा जीना छड़ता जे तू छड़ गई आपा केड़ा जीना छड़ता नहीं तू छड़ गई जे आपा केड़ा पैग पीना छड़ता अच्छा मैं काके के भी आप फैन हैं काके का क्या सुनाना चाहेंगे काके का गाना का नाम है निशान गेर खटिया कलूनी विच मारदा पूछ ले नी हाल चाल यार दा तेरे पीछे लग के निकम्मा हो गया रेहा ना किसे भी कम कार दा गेर खटिया कलूनी विच मारदा पूछ ले नी हाल चाल यार दा तेरे पीछे लग के निकम्मा हो गया रेहा ना किसे भी कम कार दा दिल करे उते ही मैं डेरा ला लवां तेरे घर कोल जेड़ी याद कहानी सौं लगे बड़ा ही प्यारा लगदा ठोडी उते जेड़ा है निशानी मित्रां दी मंगदा है जानी ए देव तो दिल कुर्बानी ठोडी उते जेड़ा है निशानी अच्छा मेरी बात सुने जितने भी रॉक स्टार्स होते हैं उनकी अपनी एक स्पेशल लुक होती है जिस तरह अभी आपकी देख रही हूँ ये चेन पहनी हुई है ये पहना हुआ है हाथों में कुछ पहने हुए हैं ये अजीब सा बैंड पहना हुआ है बड़ा यो स्टाइल होता है अजीब ही इनका कुछ ये कोई खास आप लोगों का होता है या दिल करता है ऐसे मतलब इस तरह घूमने तो वैसे ही आज मैं ये ड्रेसिंग करके आया हूं वरना मेरी तो सादी ड्रेसिंग होती है सलवार कमीज जी मुझे लगा था कि स्पेशल क्योंकि जितने भी रॉक स्टार्स देखे हैं मैंने वो ऐसे ही होते हैं नहीं नहीं पेंट चढ़ाई होती है और हाथों में पहने होते हैं जिस तरह ये देख लें बैंड्स पहने हैं स्वैग होता है भाई नहीं नहीं स्वैग वगैरह हमारा कुछ भी नहीं है हमारे से बंदे हैं चलो भाई थैंक यू सो मच आपके टाइम का मेरी अल्लाह से दुआ है कि आपकी वीडियो आगे तक जाए लोग सुने आपका टैलेंट देखें क्योंकि आप जैसे टैलेंट की हमारे पाकिस्तान को हम सबको ज़रूरत है आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल लाइक करें कमेंट करें शेयर करें इनकी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाएँ ऊपर तक कितना कि बोहिमिया तक पहुँचाएँ मे बी बोहिमिया तक आपकी वीडियो पहुँच जाए और लाखों में चली जाए चले दोबारा से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़